सरकार स्थानीय है तो और इसी भावना के साथ सरकार बनी है कि यहाँ के लोगों की नौकरी हो। सर हम लोग 4 साल इसलिए इंतजार किए सर, पहले बोल दिया रहता ना कि नहीं होगा, इतना मुश्किल से दौड़ के सरकार बोलती है बेटी बचाओ, क्यों बेटी बचाओ, पेट में ही आजकल मार देंगे। हम लोग यहाँ कैसे करके भेजा घर वाला, हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सभी होमगार्ड अभ्यर्थी 13 अक्टूबर की देर शाम एक साथ रोने लग गए। इसके कुछ ही देर पहले सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन इन बेरोजगार युवाओं से भेंट करके गई थी। रांची के मोराबादी मैदान में 3 अलग-अलग जिलों रांची, धनबाद और लातेहार के होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए पिछले एक सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। विधायक सीता सोरेन ने यहां सभी से मुलाकात की और कहा इनकी मांगे जायज़ है और इसके बारे में सीएम को बताएंगी और 2 महीने के भीतर सभी की नियुक्ति पूरी हो जाएगी। सरकार में है तो सरकार के प्रतिनिधि बन के आए हैं, इनका जो समस्या है, हाँ मांग तो पूरा ही जाए थे। इन लोग की सरकार है, ये लोग मेहनत करके सरकार बनाए हैं बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के। अब जैसे अभी बीमारी चल रही है कोविड-19 अभी भी है ही, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा तो देरी हुआ है। मान लो किसी का रिजल्ट है तो किसी की नियुक्ति नहीं हो रही है, सबको लेकर के सभी परेशान हैं। सरकार के पास हम वार्ता बार बार रखते ही हैं, थोड़े समय तो लग ही रहा है लेकिन सारे लोगों का समाधान निकल ही जाएगा। बहुत सारे संगठन वाले यहाँ पे जेट वाले भी हैं, हाँ तो पंचायत सचिव वाले भी हैं और नीचे जयपुर सबसे मिल लिए हैं, सबसे मिले हैं, सबको अपना बात रखें, जायज मांग सबकी जायज है। सरकार से क्या बात करेंगे आप? इन लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो क्योंकि सभी बेरोजगार है और आपके समय में देख ही रहे हैं कि कोविड का समय है, अब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर झारखंड राज्य में है, चाहे दूसरे भी राज्य में, तो नियुक्ति होनी चाहिए जल्द से जल्द। हम यही संगठन कह रहे हैं कि ये लोगों की नियुक्ति नहीं होती है तो उपचुनाव में इनको नतीजा भुगतना पड़ सकता है, कितना असर होगा? देखिए ऐसा तो कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार सरकार अपनी है और बाहर की सरकार तो नहीं है। पहले जैसे इस राज्य से बाहर का की सरकार बने थे, मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास जी, अब सरकार स्थानीय है तो और इसी भावना के साथ सरकार बनी है कि यहाँ के लोगों की नौकरी है, बहाली है। पिछली सरकार की गलती को इस बार सरकार सही करेगी क्या? बिल्कुल सही। इधर विधायक सीता सोरेन के धरना आंदोलन स्थल से रवाना होने के कुछ ही देर बाद सभी होमगार्ड के अभ्यर्थी एक साथ रोने लग गए। हमारे अधिकारियों का हनन किया है, हमारे मान प्रतिष्ठा को लोगों ने बर्बाद किया है, हमारे मान प्रतिष्ठा पूछने पर बताया कि तीनों जिलों के प्रतिनिधि डीजीपी से भेंट करने गए थे। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया साल भर पहले ही रद्द कर दी गई है, इसके बाद आंदोलन कर रहे जवानों के पैरों के तले जमीन खिसक गई, उम्मीद खत्म जानकर कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए, उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सर हम लोग एम वी राव जी से मिलने गए थे, तो वो हम लोगों को साफ तौर पर बोलते हैं कि रांची का तो कब का हम रद्द कर चुके हैं और धनबाद का बोलते हैं कि आपका भी हम रद्द करके जा चुका है, आपका भी रद्द हो चुका है। सर हम लोग 4 साल इसलिए इंतजार किए सर, पहले बोल दिया रहता ना कि नहीं होगा, इतना मुश्किल से दौड़ के सरकार बोलती है बेटी बचाओ, क्यों बेटी बचाओ, पेट में ही आजकल मार देंगे, क्यों लाएंगे अपना दिन देख ले जैसा कि बड़ा करेंगे पढ़ाएंगे उसके बाद बोलेंगे बेटा तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री आप लोग आश्वासन दिए थे कि तुम लोग का काम होगा, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? अभी सीता सोरेन आ गई, सीता सोरेन अभी आई हम लोग को अभी बोलते गई है कि आप लोग काम हम कराएंगे और आज इनसे बड़ा होगा डीजी सर, आज वो बोलते हैं कि आप लोग आराम हो गया, बताइए
झारखंड में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। रांची में चल रहे ये आंदोलन हेमंत सोरेन सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं। इनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो इसका असर इन उपचुनावों पर पड़ सकता है। हालांकि विपक्ष ने अभी तक इन आंदोलनों पर अपने तेवर नहीं दिखाए हैं, लेकिन सत्ता के नेता चाहते हैं कि मोराबादी मैदान से सभी आंदोलन किसी तरह खत्म हो जाए। 13 अक्टूबर की शाम को जो हुआ वह नेताओं के ऐसे आश्वासनों का सच बयां करता है।